झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। हेलो, मोटिवेशनल जो वीडियोस की सीरीज़ है उसमें ये दूसरी वीडियो है। तो इसमें यहाँ पे जो इसमें मैं बता देना चाहती हूँ, दूसरों को ज़रूर सुने पर हर बात दूसरों की मानना आपकी मजबूरी ना बन जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बोल देते हैं, बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं या कोई और बोल देता है कि दूसरों को सुनना भी चाहिए, दूसरों की सुनो, दूसरों का ऐसे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप सुने, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरों की बात को मानना जो है आपकी मजबूरी हो जाए। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे जीवन में तो क्षमा कीजिएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जीवन दिया है प्रभु ने, तो आपको कुछ तो अपना इनपुट डालिए, कुछ तो अपना एफर्ट डालिए। आपको भी तो प्रभु ने कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज दे करके यहाँ पे भेजा है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसके बने रहे, जैसे कहते हैं कि भाई लकीर के फकीर बने हुए हैं, कोई कह रहा है तो इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। यह बात आपको हर फील्ड में, पढ़ाई में, स्टूडेंट लाइफ में, आगे अपने फ्रेंडशिप में, ऑफिस में, रिश्तों को निभाने में ये बहुत कारगर साबित होगी। इस पर ध्यान दीजिएगा। सोचें तो समय खराब है, ना सोचें तो काम खराब है। बिल्कुल सही बात है, सोचना भी चाहिए, है ना। अगर बिना सोचे समय काम करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर आप सोचेंगे तो समय भी खराब होगा। सोचें तो समय खराब है, ना सोचें तो काम खराब है, पर इतना भी ना सोचें कि काम करने का समय ही निकल जाए, फिर क्या होगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा समय मत लीजिए, बिल्कुल सोचिए, प्रॉन्स एंड कॉन्स सोचिए। आपको एक कैलकुलेट क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक कैलकुलेटिव रिस्क लें लाइफ में। कैलकुलेटिव रिस्क का यही मतलब है कि आप प्रॉन्स एंड कॉन्स में एनालिसिस कर लें कि ज़्यादा किधर को तराजू जा रहा है, फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है। अगर नुकसान की लिस्ट ज़्यादा लंबी लग रही है आपको तो फिर आप ना काम करें, लेकिन डिसीजन तो लें। ये बात है जो इस सेंटेंस का जो मतलब है, उसकी महत्वता ये है। सोचे तो समय खराब है, अब बहुत ज्यादा सोचते ही रह जाएंगे तो समय खराब होगा ना। तो अब फिर कई बार लोग अक्सर कहते हैं फला आदमी डिप्रेशन में, एक आजकल ये नया चल पड़ा है हमारे देश में कि कुछ भी बात हो, जरा सा भी आदमी थोड़ा सा अगर शांत होकर बैठा हुआ हो तो लोग डिप्रेशन में है, हंसता नहीं, बोलता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, डिप्रेशन में। अरे भैया क्या डिप्रेशन में, क्यों डिप्रेशन में भाई, आपको क्या अधिकार है दूसरे आदमी को बेवजह ही आपने डिप्रेशन का मतलब पता भी है। तो ये चीज है, तो इस पर ध्यान दें। वफादार बने पर लाचार ना बने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फेथफुल होना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लॉयल हो आप जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्री है, मालिक हैं, ओनर हैं, जहाँ पर भी हैं, माता पिता भी, सबके रिश्तों के प्रति, सबके पति, बिल्कुल लॉयल हो आप, पति पत्नी हर रिश्ते में। लेकिन ये नहीं कि आप लाचारी बन के रह जाए, आप अपनी बात बोले ही नहीं, आपको जो है लोग जो है तानों के नीचे जो दवाई चले जा रहे हैं और आप लाचार बन के रह गए, है ना, कि भैया मुझे तो लॉयल बनना। अरे लॉयल बनने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने अधिकारों को ही खो दें, क्या आपको, आप अपने और विषय में सोचे ही नहीं, या आप जो दूसरे लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं आप उसके बारे में भी नहीं सोचे, ये मतलब नहीं होता है लॉयल बनने का। इस बात को डिफ्रेंशिएट करें, आप समझें, ठीक है ना। वफादार बने, लॉयल बने, लेकिन लाचार ना बन जाए। जिम्मेदार बने पर किसी के पिट्ठू ना बने, है ना। बड़ी खरी खरी बातें हैं, बहुत काम आएंगी आपके, ये बात विशेष ध्यान रखिए आप सभी के लिए। स्पेशली मैंने बुकलेट बनाई तो महिलाओं के लिए थी, लेकिन ये हमारे आजकल के जो बच्चे हैं और जो नौकरियां कर रहे हैं या अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए मैंने इसको मोटिवेशनल सीरीज का नाम दे दिया। जिम्मेदार बने, जिम्मेदारी से निभाएं हर काम, अपने प्रति भी जिम्मेदार बने। ये भी नहीं है कि आप खाली दूसरों के प्रति जिम्मेदार रहें। अरे भैया तो आपको भी तो तन मन धन दिया है, इस शरीर को क्या कहा जाता है, इस शरीर को हरि मंदिर कहा जाता है, प्रभु का, प्रभु ने आपको शरीर दिया है तो आपको इसको भी तो संभालना है, इसको भी तो देखना है। इसलिए जिम्मेदार बने लेकिन पिट्ठू ना बन जाए कि दूसरों का जो है बोझा आप ढोते रहें और अपने प्रति बदर ही ना करें। अरे भैया अपनी पढ़ाई भी देखनी है ना, अपना काम भी देखना है, अपनी नौकरी भी देखना है, अपना काम भी देखना है, ठीक है, बिल्कुल रिश्तों को अच्छे से संभालें, जिम्मेदारी बने, बिल्कुल जिम्मेदारी है आपकी। हाँ, ये नहीं है कि पुत्र की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है, बहन की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है, पति की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है,
पिता की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है, मासी मासी के लिए तो हो गए तो आप भांजे हो गए तो भांजे के लिए, भांजे की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है, भतीजे की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी, हर रिश्ते के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी है, और भैया आपके प्रति कोई भी जिम्मेदार नहीं। ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जिम्मेदार बने मगर पिट्ठू ना बन के रह जाएं। फिर अपने तन मन धन और समय की रक्षा करना सीखें। ये तन आपका है, बिल्कुल माता पिता ने जन्म दिया, बिल्कुल उनको भी नमन है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप इस पे इस तन की अपनी खबर ही ना रखें बेचारे की। अपने मन के लिए भी अगर किसी चीज में आपको थोड़ी सी खुशी अच्छी लगती है कोई बात है, तो आपके मन की भी आपको करनी चाहिए। और अपने धन को भी संभाल के रखें। जैसा मैं कहती हूँ कि सदियों से तीन ही झगड़े हैं, जर जोरू जमीन, इसलिए तो अपने तन मन धन को संभाल के रखें, उसके अधिकारों की उसको उसकी रक्षा की जो अधिकार है उनका आप ध्यान रखें। दूसरों की अच्छाइयों और बुराइयों से सीख लें, है ना। दूसरे अच्छे हैं तो उसके माध्यम से अच्छा ही हो रहा है, उनका अच्छा हो रहा है तो उसका भी आप ध्यान दें, तो आपको पता लग जाएगा भाई हाँ ये अच्छा काम करने से इस आदमी को ये बेनिफिट हुआ, अच्छा हुआ इसका तो अच्छी बात है। और जो बुराई करी उसने गलत काम करा है तो आपको पता लग गया कि उसने गलत काम करा तो गलत है। तो अच्छाइयों और बुराइयों से जो है आप सबक सीखें, आस पड़ोस में दोस्त यार मित्र सब जगह। तो ये नहीं है कि आप अपने आप से जो लर्न करेंगे, आपसे गलती होगी तब आप लर्न करेंगे, कोई काम अच्छा हो गया तो आपने उससे हाँ मैंने ये काम किया तो अच्छा हो गया, नहीं अपने आप से नहीं आप सीखें, ऐसे नहीं सीखें। बाहर भी देखें दुनिया को, दूसरों को देख करके अच्छाइयों और बुराइयों से सबक लें, है ना, हमें वहाँ से ताकि आपका समय बच सके, आपसे गलती न हो सके और आप अच्छाइयाँ करके आगे बढ़ सकें। दूसरों की दी हुई सीख का अपने हालात और अपनी जरूरतों के तराजू पर तोलना सीखें, है ना। दूसरे ने किसी ने कोई सीख दी, बहुत अच्छी सीख है, बहुत अच्छी। अब साधु महात्मा है, साधु महात्मा बहुत अच्छी अच्छी सीखें देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या, अरे साधु जी के लिए तो सेवक लग जाते हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं उनको घूमने के लिए, उनको अच्छी अच्छी जगह में रहने के लिए मिल जाता है, उनके पास तो इतना कुछ है, लेकिन ये बताइए कि आपके पास है, आपके पास तो नहीं है। तो फिर तो आपको जो है दूसरे को सुनना है, लेकिन आप अपने सर्कमस्टांसेस पर उसको तराजू पे तोलिए कि ये सीख मेरे लिए किस तरह से कितनी बेनिफिशियल है ना। अगर अब कोई संत हैं गुरु हैं वो तो कहते हैं कि भैया हर महीने 15 दिन तुम गुरु के दर्शन करने चाहिए, आपको आना चाहिए गुरु के द्वारे पे, आओ अच्छी बात है आना चाहिए, पर भैया तुम्हारा अपना काम धंधा नौकरी पढ़ाई लिखाई वो भी तो है, उसके लिए भी तो समय आपको चाहिए। अब अगर आप जाने आने में समय बिताते रहोगे तो अपने लिए कहाँ, और आपका तन मन जो धन जो खर्च हो रहा है वो क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इनडिस्पेंसिबल है, साधु फकीर तो अपना बैठ गए सब कुछ छोड़ करके, तो फिर आपको कौन खिलाएगा भैया। इसलिए इस बात को ध्यान दें, दूसरों की दी हुई सीख को अपने हालात और अपनी जरूरतों के तराजू पर तोलिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया एग्जांपल दिया कि हमारे देश ने समय समय पर सोचा, हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हुए चाहे वो पीएम जाएं, चाहे हमारे जो हैं गवर्नर जाएं, या हमारे कोई और जो मंत्री हैं वो जाएं कैबिनेट के, जो भी जिस हैसियत में भी गए उन्होंने अपने देश के अधिकारों का, देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही। ब्लाइंडली ये नहीं है कि साइन कर दिया ट्रीटी पे, नहीं किया। इसलिए दूसरों की सीख अच्छी बात है ना, दूसरों की सीख से सबक लें। दूसरों की सीख को आंख बंद करके अनुसरण ना करें कि किसी ने कह दिया तो आप आंख बंद, विश्वास करना अच्छी बात है, सबको ही कहते हैं गुरु पे विश्वास करें, बिल्कुल विश्वास करें, परमात्मा पे विश्वास करें, बिल्कुल विश्वास करें, वे अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। भगवान जी से भी हम चाहते हैं ना कि हम ऐसा है तो हम बिल्कुल निष्काम भावना से भी करें, एक परम पिता परमेश्वर ही है एक, लेकिन आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना। आप 24 घंटे बैठ करके अगर आप माला जपते हैं या पाठ पूजा करते हैं तो आप तो सन्यासी बन जाएंगे, फिर तो फिर आप इस दुनिया में आगे कहाँ बढ़ पाएंगे, इस दुनिया में तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको सन्यासी बनना है, साधु बनना है, या आप इस दुनिया में आपको कुछ करना है, आपको अपने देश के प्रति कुछ करना है। अब ऐसे हर इंसान सन्यासी बनने लगेगा तो क्या, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, साइंटिस्ट कौन बनेगा, हमारे फौजी भाई, हमारी फौज कहाँ से आएगी। तो सीख लें, दूसरों की सीख पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, आपको अपना भी बुद्धि सद्बुद्धि लगानी होगी। अपने सामाजिक आर्थिक अधिकारों का ज्ञान रखें। सबसे बड़ी कमी जो मैं आज की समाज में देखती हूँ पाती हूँ, और जो लोग
एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं, ज्योतिषाचार्यों के पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें 90% केसेस ऐसे होते हैं कि उनको अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का पता नहीं है, इसी वजह से उनके साथ धोखा हो जाता है। घर के भाई बहनों ने पट लगा दी, धोखा कर लिया, किसी रिश्तेदार ने कर लिया। अभी मुझे बहुत अफसोस हुआ, पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो सुनने के मिली कि किसी बच्चे था यहाँ पे पंजाब में, और उसने जो चाचा ने जो उससे साइन करवा दिए उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके पिता थे नहीं बच्चे के, और बच्चे ने साइन कर लिया, और उसने फिर लाइव वीडियो भी बनाई है और उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा सुन था। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो इसलिए जो है आपको अपने सामाजिक भी मूल्यों का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि आपको भैया हर रिश्ते का पता होना चाहिए, कि खाली आपको पुत्र का रिश्ता नहीं निभाना है। इस संसार में आप आए हैं तो आपको संपूर्णता प्राप्त करनी है। एक ही जन्म, जिस जन्म में आपको मानव जीवन मिला है, तो इसमें आपको संपूर्णता प्राप्त करनी है। इसमें आपको शादी ब्याह भी करना है, पति भी बनना है, पिता भी बनना है। तो आपको अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस रखें। अपने सभी प्रकार के कागजात, जैसे कि कोई भी आधार है, वोटर आईडी, आजकल ये चीज़ें आ गई हैं, या हमारे कार्ड्स आ गए हैं, एटीएम कार्ड्स हैं या और कार्ड्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है ना, कॉलेज और स्कूल वगैरह की जो आईडीज हैं और चीज़ें, इनको सुरक्षित रखें और खुद अपनी जिम्मेदारी से संभालें, है ना। हर इंसान इस चीज़ को ले, घर में ये हर एक की जिम्मेदारी है, कि खाली इन चीज़ों को संभाल के रखना खाली पति की जिम्मेदारी नहीं है, खाली पापा की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों को अपनी जो इन चीज़ों को है बच्चों को संभाल के, मम्मी की जिम्मेदारी नहीं है कि मम्मी हर चीज़ में बच्चे जैसे शोर मचाए मम्मी ये मम्मी वो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बच्चे जब बड़े हो गए 18 ईयर्स या में, तो उनको ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, पेरेंट्स द्वारा उनको बताया जाना चाहिए, और बच्चों को भी इन चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। इसी प्रकार से हर एक इंडिविजुअल को इन चीज़ों को, अपने यूज़ की चीज़ों को संभालने का आदत डालनी चाहिए, उन्हें खुद अपनी चीज़ों को संभालना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ लीगल ज्ञान भी प्राप्त जरूर करें। आज के परिपेक्ष को देखते हुए थोड़ा बहुत लीगल कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, है ना। किस तरह से ये एफिडेविट्स बनते हैं, क्या सर्टिफिकेट बनते हैं, इन चीज़ों का थोड़ा सा अवेयरनेस रखें। प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक बने, वेरी सिंपल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि प्रैक्टिकल रहें भी, हाँ ये चीज़ प्रैक्टिकली फिजिबल है कि नहीं है। नहीं, अच्छा बड़ा सोचना, ऊंचा सोचना बहुत अच्छी बात है, एम्बिशन होना बहुत अच्छी बात है, ये भी मैं नहीं कहती कि एम्बिशन नहीं, बिल्कुल एम्बिशियस रखिए, एम्बिशन होना चाहिए, एम्बिशन के बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। इसलिए जो है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल की, हाँ ये चीज़ प्रैक्टिकल है, कोई काम अगर करने को है तो प्रैक्टिकल देखें समय के, और प्रैक्टिकल हर तरह से, तन मन धन हर तरह से। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, स्टार्टअप करने वाले हैं, तो आप सोचिए, जैसे ये नहीं कि किसी ने कह दिया ये बिजनेस बहुत अच्छा भैया कर लो तो आपको अच्छा लगा, आपने कहा देखा हाँ यार पैसे की बात है अच्छा है कर लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं। आप उसको अपने लेवल पे एनालाइज करें कि आपका तन मन धन से वो चीज़ कैसे जस्टिफाइड होगी, किस तरह से होगा, हर चीज़ को उसको आप जो है प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली सोचें, वो करके सोचें। बोलना सीखें और अवश्य बोलें, पर फालतू ना बोले, है ना। क्या होता है, लोग कहते हैं कि एक चुप जो है वो 100 को हरावे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, लेकिन समय पे हर जगह वो चीज़ लागू नहीं होती है। कुछ तो बोलें भैया, अपने अधिकार को अपनी जान बचाने के लिए तो बोलेंगे ना, कुछ तो बोलो, बोले समय पे, बोले जब बोलना है तो बोले, भी बोलना भी आना चाहिए, हाँ, लेकिन ये है कि फालतू ना बोले। प्यार क्या होता है, अक्सर बोल देते हैं, माता पिता बोल देते हैं बच्चों को, बोलते हैं कि अरे तुम्हें नहीं बोलना है, बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं। आप माता पिता बच्चों को ये समझाएं कि बेटा ये आप गलत बोल रहे थे, या इस समय में आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, या इस बात को आपने कैसे बोलना था, आप ये सिखाएं ना बच्चों को। खाली माँ बाप डांटते क्यों रहते हैं बच्चों को, ये क्यों कहते रहते हैं कि ये नहीं बोलो और तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें बड़ों के बीच में बात नहीं, हाँ बड़ों के बीच में बात नहीं करनी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उनको वो बात, अगर वो कोई बात बच्चा कह रहा है समझ, तो उसकी बात को भी तो इम्पोर्टेंस दीजिए ना, वो भी तो आपका ही अंश है, आपका ही तो बच्चा है, उसकी तो भी सुनिए। हाँ आप आगे पीछे समझिए, नहीं है कि कोई रिश्तेदार है तो उसके सामने आपने तपाक से उसको नट दिया, नहीं, आपको अपने आप को भी ऑगमेंट करना होगा, आपको अपने बच्चे को पहले समझाना होगा या बाद में समझाना होगा, पहले समझा के रखिए कि हाँ बेटे जब दो बड़े बात करें तो नहीं बात करें, ये नहीं है कि बीच में अगर बच्चे ने कुछ बोल दिया बाई मिस्टेक तो आप डोरिया डंडा लेके उसके पीछे पड़ गए कि तुमने हम दो बड़े लोगों के बीच में बोला कैसे, उसकी आपने जो पर्सनैलिटी को ही बिल्कुल आपने चौपट कर दिया बेचारे को, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं कर। इसलिए जो है बोलना सीखें, अवश्य बोलें लेकिन ज़्यादा ना बोलें, प्यार करें, और प्यार करने के पीछे
तन मन धन और समय बर्बाद ना करें। बिल्कुल प्यार होना चाहिए, चाहे दो लोगों के बीच में है, फ्रेंड्स हैं या शादी होने वाली फैंसी हैं या और हैं या घर के लोग हैं और भी कोई है। अफेक्शन, अफेक्शन प्यार से मतलब कि ये नहीं कि खाली लड़का और लड़की का ही प्यार, पति पत्नी का ही प्यार, सब रिश्ते रिश्तों को लेकर के भी प्यार। लेकिन क्या है कि उसमें ये नहीं है कि उस अफेक्शन के पीछे जो सामने वाला आदमी आपको एक्सप्लॉइट करता चला जाए और आप एक्सप्लॉइट होते चले जाएं, आपका तन मन धन समय सब लग रहा है, ऐसा नहीं, इसको बर्बाद ना होने दें। फिर एक चुप सौ को हरावे अच्छी सीख है, मगर इतना भी चुप ना रहें कि अत्याचार करने वाला गूंगा समझकर आपकी हत्या ही कर दे। ठीक है ना, ये बिल्कुल साफ साफ मैं कह दे रही हूँ आपको, चुप सौ को हरावे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सीख है, कोई बात नहीं। लेकिन भैया आज कलयुग है, इतना ज्यादा चुप ना रहें कि आप ये कहेंगे मेरी तो यही सीख है कि एक चुप है सौ को हरा देगी, सौ को हरा देगी। होता भी है ऐसा, लेकिन फिर भी आपको इतना भी चुप नहीं रहना है। अगर कष्ट है तो बोलिए, अपनी परेशानी को बताइए, ये नहीं कि आप हमेशा सुनने के लिए ही हैं कि आप सुनता ही रहेंगे। ये आपने धारणा कर ली कि भैया एक चुप सौ को हरावे, इसलिए मैं तो भैया चुप ही रहूंगा, जो भी आएगा कुछ बोल जाएगा आपको है और आप उसको सुन लेंगे तो अकॉर्डिंगली या तो काम कर देंगे अगर उसके लिए, या नहीं करेंगे तो चलो ठीक है, लेकिन मैं चुप हूं। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छाई करें, अच्छे इंसान बने, पर अच्छाई को अपनी कमजोरी न बनने दें। अच्छे इंसान बने अच्छी बात है, अच्छाई भी करें, भलाई भी करें, लोगों के लिए भला करें, शुभता करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अपनी कमजोरी ना बनने दें। सामने वाला ये ना समझ ले कि भैया आप तो अच्छे हो, आप तो अच्छाई ही करोगे, तो वो आपको जो है रास्ता दिखाता रहे, इधर उधर यहाँ चलो अच्छाई कर दो, वहाँ उसकी अच्छाई कर दो, उसकी अच्छाई कर दो। तो भाई अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आप अपने लिए अपनी अच्छाई कब करेंगे, आपका समय तो वेस्ट हो गया, तन मन धन आपका जो बात लग गई उसकी, समय खराब हो गया आपका, तो आप अपनी अच्छाई कब करेंगे। अच्छाई करें, शुभता है, बिल्कुल ये गिव एंड टेक है। आफ्टर ऑल संसार में हम सब एक दूसरे के लिए अच्छा करते हैं, शुभता करते हैं, तभी होता है। कभी हम आपको भी, आप किसी की मदद करते हैं और आपको भी कभी किसी से मदद मिली होगी, बिल्कुल ऐसा होता है। बच्चे से कहा जाता है कि अच्छे के बदले अच्छा भी मिलता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि बुरा इंसान सामने वाला देख ले कि भैया ये तो इंसान बहुत अच्छा है और वो आपकी अच्छाई का फायदा उठा करके जो है इस अच्छी आदत का लाभ उठा करके आपको जो है किसी प्रकार का वो धोखा दे दे, या आपके साथ कोई छलबल कर ले, या आपका कोई बुरा कर दे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको बहुत बहुत लाभकारी होगी, और जिनको जो पॉइंट अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर लिखिए, और आगे से अगर कोई चाहते हैं कि विशेष कोई वीडियो बने उसके लिए भी आप जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।